हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी। आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल खुशी किचन में। फ्रेंड्स, आज हम आलू का पापड़ बनाएंगे। तो आलू का पापड़ बनाने के लिए मैं आलू को अच्छे से धो दी थी और इसको उबाल दी। उबालने के बाद इसका मैं छिलका भी निकाल दी। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ये काम पहले से करके रखी हूँ। अब हमें आलू को घिसना है, तो घिसने के लिए मैं ये ग्रेटर रखी हूँ। इस पर आलू को अच्छे से घिस लेते हैं। आलू को घिसते समय आपको ध्यान रखना है कि इसमें से मोटे मोटे से आलू के टुकड़े नहीं रहने चाहिए। सारे आलू को हम पहले घिस के तैयार कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं आलू को अच्छे से घिस ली, पर घिसने में थोड़े छोटे छोटे से आलू के टुकड़े रह जाते हैं, कभी कभी टूट के निकल जाता है। तो अब हम आलू को अच्छे से हाथ से मैश करेंगे, बहुत अच्छा सा टेस्ट बना लेंगे मैश करते करते। इस तरीके से हमें आलू को मिलाना है जिससे कि छोटे छोटे टुकड़े जो है वो सब अच्छे से मिल जाए। आलू को हम अच्छे से हाथों से मैश कर लिए हैं। अब इसमें बिल्कुल भी छोटे छोटे टुकड़े नहीं दिख रहे हैं। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाले मिलाएंगे। एक कसूरी मेथी मैं 1 चम्मच जितना रखी हूँ, थोड़ा सा जीरा है, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और स्वाद अनुसार नमक, ये सबको हम इसमें डाल देते हैं। 1 चम्मच जितना तेल डाल देंगे। फिर से इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। मैं कसूरी मेथी डाली हूँ, आप चाहे तो कसूरी मेथी के जगह पे धनिया पत्ते को बारीक बारीक काट के वो भी डाल सकते हैं। बहुत जल्दी ये पापड़ फटाफट से बन जाते हैं। मिनटों में आप 15-20 पापड़ बना सकेंगे और बिना मशीन के। तो चलिए अब मैं इसका पापड़ बना के बताती हूँ। इस मिश्रण में से हम पहले छोटे छोटे से गोले बना के रख लेते हैं। तो हाथ में थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे। इस प्लेट में हम गोले बना के रखेंगे, तो इसमें भी मैं थोड़ा सा तेल लगाती हूँ। अब इसमें से थोड़ा सा मिश्रण ले लेते हैं। ऐसे ही गोल गोल करके हम पहले रख लेंगे, इससे आसानी होगी पापड़ बनाने टाइम में, टाइम ज्यादा। आप अपने हिसाब से थोड़े से छोटे या बड़े गोले बना लीजिए। ये देखिए, मैं थोड़े से गोले बना ली और मैं बाद में बनाऊंगी, अभी मैं पहले पापड़ बना के आपको दिखा देती हूँ। तो ये 2 प्लास्टिक में रखी हूँ, इस पे मैं पापड़ बनाऊंगी और इससे मैं पापड़ बनाऊंगी। तो दोनों में थोड़ा सा तेल लगा देते हैं, इसमें भी लगा देंगे। अब हम इसमें से 1 गोले ले लेते हैं। थोड़ा सा तेल इस पे हम लगा लेंगे, ऊपर से भी थोड़ा सा लगा देते हैं। अब ये पन्ने जो तेल लगा के रखे हैं इसको इसके ऊपर रख देंगे। और आप इस तरीके से कोई थाली ले लीजिए और इसको हम अच्छे से ऐसे दबा देते हैं। ये देखिए, हमारा पापड़ बनके तैयार है। ऐसे ही हम सारे पापड़ बना लेंगे। एक और मैं बना के बता देती हूँ।
के गोले रखेंगे। थोड़ा सा हम इसके ऊपर भी तेल लगा देते हैं। आप इस तरीके का कोई बर्तन ले सकते हैं, या फिर चकला भी ले सकते हैं, या थाली भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम रख दिए, इसे हम अच्छे से दबा देते हैं। बहुत इजीली ये पापड़ बन जाता है। मिनटों में आप बहुत सारे पापड़ बना सकते हैं बिना मशीन के। आप देखिए, ऐसे ही मैं सारे पापड़ बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं सारा पापड़ बना ली और मैं इसको धूप में रख दी हूँ 4 से 5 घंटे के लिए। ये फटाफट से सूख जाएंगे एक ही दिन में। पापड़ सूख गया है ऊपर से, तो हम इसको प्लास्टिक पर से दूसरे साइड इसको पलट रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत इजीली प्लास्टिक पर से निकल गया है। इसको अब दूसरी साइड पलट के हम रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा पापड़ अच्छे से सूख गया है। हम इसको फ्राई करके भी आपको दिखाते हैं। तेल गरम होने के लिए मैं रखती थी, अब इसमें मैं पापड़ फ्राई करके बताती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।